हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि मैंने ये छोटा सा बेबी स्वेटर किस तरह से बनाया है। ये बनाया है मैंने 0 से 6 मंथ के बेबी के लिए। तो ये आज मैं आपको यही बताऊंगी। ये गले से स्टार्ट हुआ है और ये इसके देखिए ये लीफ पैटर्न मैंने इसमें बनाया है और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर मेरे प्लीज़ चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वाले कार्डिगन को बनाना हम स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 10 नंबर की जो है वो नीडल्स ली हैं और मैंने ये बेबी वूल ली है। इसमें मैंने ये 5 बटन जो हैं वो इसके लिए मैंने लिए हैं और ये मैंने गले से स्टार्ट किया है। तो चलिए फिर इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसमें फंदे जो हैं ये गले से स्टार्ट हुआ है हमारा ये पैटर्न। देखिए तो ये मैंने इसमें ये वाले डिजाइनर फंदे डाले हैं और मैंने इसमें ये 71 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। फिर दोनों तरफ से इसमें मैंने उल्टा उल्टा बना के ये जो है गले का बॉर्डर तैयार कर लिया। ये मैंने इसकी गार्टर स्टिच की 4 रिजेस बना ली हैं और देखिए बीच में मैंने ये देखिए यहाँ पे 3rd रिज पे मैंने बटन होल भी किया है। तो बटन होल आप अपने हिसाब से अपनी दूरी पे आप बनाते जाएंगे साथ साथ में। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए हमने ये 71 फंदे जो है वो कास्ट ऑन किए हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ कि अब हमने आगे इसको क्या करना है। तो बॉर्डर बनाने के बाद हमने अब हम आगे इसकी राइट साइड में, तो राइट साइड में हमने क्या करना है, हमारे 7 फंदे जो हैं वो हमारे ये एस स्टिच को मिला के ये हमारे बटन पट्टी के हैं। तो हमने 7 फंदे जो हैं वो पहला फंदा ऐसे सीधा उतार के अगले 6 फंदे जो हैं वो हमने उल्टे उल्टे बना लेने हैं। देखिए ये 7 फंदे हो गए हमारी बटन पट्टी के। अब हमने यहाँ पे एक फंदा उल्टा और बनाना है। ये बटन पट्टी का नहीं है, इससे हमारा जब हम ये एक फंदा बीच में उल्टा लेंगे ना तो इससे हमारे ये जो पेटल्स हैं ये बहुत अच्छे से उभर के आएंगे। तो एक उल्टा फिर धागा पीछे किया, 3 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 फंदा सीधा, इससे जाली बनेगी, हमारा एक फंदा पड़ेगा, ये 1, फिर हमने धागा अपनी तरफ करना है और अब हमने 3 फंदे सीधे बनाने हैं, 1 2 3। तो ये हमारी फर्स्ट पेटल का हो गया। अब हमने फिर धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा उल्टा बनाना है, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, ठीक है, 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा ये उल्टा सॉरी जाली बना ली इसके साथ, फिर धागा अपनी तरफ, फिर जाली बनाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा और फिर 3 सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, 1 फंदा सीधा बनाएंगे, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और हम फिर हम एक उल्टा फंदा लेंगे। तो देखिए हम फ्रेंड्स इसी तरह से बनाते जाएंगे, हर पेटल के बीच में ये एक फंदा जो है वो हमने उल्टा बनाना है। तो इसको मैं कंप्लीट करती हूँ यहाँ तक, फिर बताती हूँ, यहाँ तक कर लेती हूँ फिर बताती हूँ हमने क्या करना है आगे। देखिए फ्रेंड्स हम एंड में आ गए। तो फिर ये एक, अब ये लास्ट के हमारे पास 8 फंदे, ये एक फंदा ये उल्टा बना लेना है, बाकी ये सारे भी उल्टे बनाने, पर ये पट्टी का नहीं है, पट्टी के ये 7 फंदे हैं। तो हम इनको उल्टा बना लेंगे और एज स्टिच को हमने क्या करना है, एज स्टिच को हम सीधी रो में, तो हम इसको सीधा ही बनाएंगे। तो ये हमारी देखिए फर्स्ट रो कंप्लीट हो गई है। जो हमारी रॉन्ग साइड है उसमें जो फंदा हमने सीधी साइड में उल्टा लिया है ना उसको हमने सीधा बनाना है, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। देखिए मैं एक बार आपको बता देती हूँ, ये तो हमारे पट्टी के फंदे हैं 7 2 3 4 5 6 और ये 7, और अब हमने ये रॉन्ग साइड से जो है हमने सीधी साइड से उल्टा बनाया था, इसको उल्टी साइड से हमने सीधा बनाना है, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। बस हमने यही ध्यान रखना है जो फंदा हम हर पेटल के बीच में जो एक उल्टा फंदा ले रहे हैं वो रॉन्ग साइड से हमारा सीधा बनेगा, बाकी सारे फंदे हमने उल्टे बनाने हैं। ये
ये सीधा, बाकी फिर हमें उल्टे, तो आपने यही ध्यान रखना है रॉन्ग साइड में कि जो हम सीधी साइड से उल्टा ले रहे हैं उसको उल्टी साइड से हमने सीधा बनाना है। तो मैं इसको कंप्लीट कर लेती हूँ सेकेंड रो को। तो अब आगे हम इसकी राइट साइड में, देखिए राइट साइड में पहला फंदा ऐसे उतार के ये पट्टी वाले फंदे हमने उल्टे बना लेने हैं। ये 7 फंदे हैं हमारे एस स्टिच को मिला के, 4, 5, 6 और ये 7, और ये आगे वाला ये भी हमने उल्टा ही बनाना है, ये पट्टी में इंक्लूडेड नहीं है। देखिए ये फिर इस साइड से सीधा बनेगा। अब देखिए हमने क्या करना है, धागा पीछे करना है। अब हमारे पास ये 4 हो जाएंगे, पहले हमने 3 बनाए थे सीधे, अब हम बनाएंगे 4, 1, 2, 3, ये वाला जाली वाला भी 4, और फिर धागा अपनी तरफ, और फिर हम यहाँ पे जाली बनाएंगे, फिर यहाँ पे फिर से वैसे ही धागा आगे और 4 फंदे सीधे, और फिर धागा अपनी तरफ, 1 फंदा उल्टा। तो हम ये रो इसी तरह से कंप्लीट कर लेंगे। एक बार फिर से बता देती हूँ, अब हमारे 4 फंदे सीधे जाएंगे, ये जाली वाला भी हमने सीधा बनाना है, 1, 2, 3 और ये 4, और जिस पे हम जाली बढ़ा, एक फंदे पे बढ़ा रहे हैं उसके दोनों तरफ फिर से हम जाली बनाएंगे। ये देखिए एक बार ये करें, फिर ये, फिर हमने 4 फंदे सीधे बना लेने हैं और 1 फंदा उल्टा। तो इसी तरह से हमने ये कंप्लीट करना है, और ये हमारा उल्टा फंदा इस तरह से ही ध्यान रखना है। रॉन्ग साइड में जो हम यहाँ से उल्टा ले रहे हैं उसको सीधा, बाकी सारे उल्टे। तो मैंने जितने तक ये पत्ते के ये बढ़ाना है मैं बढ़ा लेती हूँ, फिर उसके बाद बताती हूँ कि हमने आगे इसको किस तरह से बनाना है। फ्रेंड्स देखिए हमने ये फंदे यहाँ पे बढ़ाए हैं यहाँ तक। देखिए मेरा वीडियो थोड़ा सा वो जो है वो थोड़ा मुझसे डिलीट हो गया, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ ऐसे। यहाँ तक हमने ये 8 फंदे बढ़ाए, 8 जालियाँ, मतलब 8 8, हाँ 7 है ना ये 7, तो मैं ये हमने 8 जाली बढ़ाई है। उसके बाद हमने ये फंदे बंद करना शुरू किए हैं, तो मैं उसका वीडियो भी इसके साथ में, जो मैंने कैप बना रही हूँ इसके साथ, उसका वो जो है वीडियो मैं आपको डाल दूंगी कि हमने ये किस तरह से फंदे बंद करने हैं। हमने ये 8 जालियाँ जो है वो बढ़ानी है, ठीक है फ्रेंड्स। हमने इसे उतार लिया, फिर अगला फंदा हमारा उल्टा ही है, और धागा हम अपनी तरफ आगे ही रखेंगे क्योंकि अब हमने जाली भी बनाएंगे साथ में, क्योंकि हमने यहाँ पे 2 का 1 भी करना है, तो वो 2 का 1 होगा उससे फंदा घटेगा लेकिन जाली से बढ़ेगा भी। तो इसलिए हमारे फंदे ज्यादा, अब जितने हमें चाहिए उतने ही हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पे जो फंदा घटेगा उसका यहाँ पे फंदा बढ़ेगा, ठीक है। तो देखिए इसको हम करेंगे स्लिप, और ये स्लिप, और इसको बैक लूप धागा आगे रखना है जाली के लिए, और ये ऐसे बना लेंगे। ये एक बार बंद हो गया, बाकी हमने जो है वो सीधे सीधे बनाने हैं। लास्ट के जब 2 आएंगे इसके, तो मैं बताती हूँ कैसे करना है। जो इस पत्ते के लास्ट के जो 2 फंदे आएंगे उनको हमने 2 का 1 करना है। देखिए ये लास्ट के 2 हैं, तो अब इनको सिंपली हमने यहाँ से आगे से ये 2 का 1 कर देना है। फिर धागा अपनी तरफ जाली बनानी है हमने इस तरह से, क्योंकि आगे वाला फंदा हमने उल्टा बनाना है, तो ये हो गया। थोड़ा टाइट रखिए ज़्यादा, ताकि लूज जाली ना बने, और इसको उल्टा बनाएंगे, और फिर धागा अपनी तरफ ही रखेंगे। अब अगला पत्ता जो है वो हम उसको इस तरह से बंद करेंगे, स्लिप स्लिप, और ये इस तरह से, फिर आगे के फंदे हमने सीधे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने आपको इससे पहले इसकी जो बेबी स्वेटर है वो बताई है, उसमें भी हमने ऐसे ही पत्ते बनाए थे गले पे। तो देखिए उसमें थोड़ी सी मेरी जो क्लिप जो है वो थोड़ी मिस हो गई है, वो मेरे से डिलीट हो गई है, तो मैं उसी में ये डालूंगी, यही वाले क्लिप डालूंगी, तो आपकी आपको पता चल जाए कि हमने फंदे किस तरह से बंद करने हैं, ठीक है। ये बंद नहीं करने, सॉरी, ये पत्ता किस तरह से बंद करना है, तो मैं यही वाली क्लिप उसमें भी थोड़ी सी ऐड करूंगी क्योंकि वो मेरे से डिलीट हो गई है उसकी। तो देखिए फिर ये लास्ट के ये जो 2 फंदे हैं इनको 2 का 1 इस तरह से करना, फिर इस तरह से थोड़ी टाइट इसमें ये जाली बनाएंगे। आगे वाला फंदा हमने उल्टा ही बनाना है, और यहाँ पे धागा आगे रहने देंगे जाली बनाने के लिए, स्लिप स्लिप, और ये ऐसे बना लेंगे। इसी तरह से हम सारे पत्ते जो हैं इनको बंद करेंगे। और फ्रेंड्स देखिए जो रॉन्ग साइड में हम कैसे करेंगे, अब हमारी जो जाली हम यहाँ बना रहे हैं ना, रॉन्ग साइड से उसको सीधे बनाना है और राइट साइड से उल्टा बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे जो अब बीच में हमारा 1 फंदा हम सीधा ले रहे थे, उल्टा ले रहे थे ना, वो हमारे बढ़ते जाएंगे। तो देखिए ये लास्ट के 2, फिर ऐसे घुमा के ये जाली थोड़ी टाइट, और ये फंदा उल्टा ही बनाना है, धागा आगे रखना है,
और इस तरह से। तो हम इसी तरह से ये जो लीव्स हैं इनको हम बंद कर लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं इसके जो ये लीव्स हैं इनको बंद करते हुए यहाँ तक पहुँच गई, जब लास्ट में हमारे पास ये तीन फंदे रह गए हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने जब ये तीन फंदे रह जाएंगे तो इसको किस तरह से बंद करना है। तो ये स्टार्टिंग में तो हम वैसे ही बनाएंगे, ये पहले हमारे बटन पट्टी के फंदे, फिर वो जो हमारे हमने यहाँ पे बनाए हैं, एक था जो हमारा उल्टा, वो देखिए अब बढ़ के कितने ये यहाँ पे हो गए हैं। जो अभी हमने जाली के साथ जो फंदा बनाया है वो भी हमने सीधी साइड से उल्टे बनाए हैं और उल्टी साइड से सीधा। तो देखिए ये सारे फंदे जो हैं हम इनको उल्टा उल्टा बना लेंगे। फ्रेंड्स देखिए ये बहुत इजी है और बहुत जल्दी बन जाता है। तो देखिए अब यहाँ पे देखिए ये तीन फंदे हैं ना, अब हमने यहाँ पे इनको किस तरह से बंद करना है। तो देखिए क्या करेंगे, धागा हम आगे ही रहने देंगे क्योंकि हमें जाली बनानी है। तो पहले हम इसका ये बीच वाला फंदा जो है ना वो उसको हम इस नीडल पे ले लेंगे और इसको बैक में ऐसे, फिर हमने क्या करना है, पहले ये दो फंदे जो हैं इनको हम सीधा बना लेंगे, ठीक है। और जो फंदा हमने इधर लिया था ना उसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। इस तरह से हम ये फन जो हमारा ये देखिए, ये हमारा एक जो हमारा पत्ता है ये लीफ ये जो है देखिए ये बंद हो गया है। अब हमने फिर से वही करना है, यहाँ पे ये जाली बनानी है और ये सारे फंदे उल्टे उल्टे बना लेने हैं यहाँ पहुँचने से पहले। ये देखिए फिर हम यहाँ पहुँचे, एक बार फिर से आपको बता देती हूँ, ये धागा आगे ही रखना है, बीच वाला जो ये वाला फंदा है देखिए बीच वाला, इसको हमने इस नीडल पे लेना है और ये बैक से ये वाला फंदा इधर ले लेना है, ये दोनों फंदे। अब इन दोनों फंदों को हमने दो का एक करना है और ये फंदा जो है वो यहाँ से ऊपर उतार देना है इस तरह से। फिर हमने ये जाली बनानी है और बाकी के फंदे हमने उल्टे उल्टे बनाने हैं। तो फ्रेंड्स देखिए हमने सारे के सारे ये जो लीव्स हैं ये देखिए ये पेटल्स और लीफ, इनको हमने क्या करना है इसी तरह से बंद कर लेना है। फिर ये हमारा ये ऊपर का पोर्शन कंप्लीट हो गया है। और फिर जब मैं ये बना लेती हूँ फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हमने फंदे किस तरह से डिवाइड करने हैं, ठीक है। अब देखिए हम ना ये वाली जो रो है हम जो है ये उल्टा उल्टा, ये इधर हम सीधी साइड से उल्टा और उल्टी साइड से सीधा बना रहे थे ताकि हमारे जो ये पत्ते हैं ये थोड़े उभर के आए, इससे ये बहुत अच्छे से उभर के आते हैं। अगर हम चाहते तो इस तरह से भी बना सकते थे गार्टर स्टिचेस भी, वो भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरह से किया, आप वैसे भी कर सकते हो। तो देखिए जब ये हमारे अभी हो जाएगा तो जो इसकी ये वाली रो है ये वाली जो उल्टे वाली वो तो पहले जैसे ही हम बनाएंगे। फ्रेंड्स देखिए ये मैंने कंप्लीट किया है यहाँ पे। जब देखिए मेरे ये लीफियाँ से बंद हो गए ना, फिर मैंने एक जो है एक उल्टी साइड से और एक सीधी साइड से, मैंने उल्टी साइड से पूरा सीधा बनाया और सीधी साइड से पूरा उल्टा। तो इस तरह से ये हो गया है हमारा तैयार। और देखिए फ्रेंड्स इसमें हमारे टोटल बढ़ के फंदे हो गए थे 183, पर मुझे इसमें 10 जो स्टिचेस। तो फ्रेंड्स देखिए इसमें हमारे टोटल फंदे हो गए हैं 183, ओके। तो अब हमें जिस तरह मुझे ये बनाना है तो मुझे इसमें 13 फंदे और चाहिए थे, इसलिए मैंने बैक साइड में जब इसमें से मैंने 13 फंदे जो बढ़ा लिए तो हो गए 196। फिर फ्रंट में सॉरी बैक में मैंने रखे हैं 54, फिर दोनों फ्रंट में 27 27 और प्लस 14 हैं इसके ये बटन पट्टी के फंदे साथ साथ दोनों साइड, तो ये हो गए 122, ओके। एंड 37 प्लस 37 ये दोनों बाजुओं के हैं 74, तो इन दोनों को अगर हमने प्लस किया तो टोटल हमारे पास फंदे हो गए 196, ओके। तो ये मैं बना रही हूँ, देखिए छोटे ही बेबी का है, जैसे कि ये है 4 to 6 मंथ तक के बेबी को, 6 मंथ तक के बेबी के लिए मैं बना रही हूँ ये जीरो से। तो इसके लिए मुझे 196 किस तरह से चाहिए, देखिए 54 बैक में, 37 37 जो है वो हमारे मुझे बाजू में चाहिए फंदे, और 27 27 जो है वो 27 प्लस 27 54 होते हैं, तो ये फ्रंट के, और साथ और साथ ये हो गए हमारे जो है हमारी बटन पट्टी के। तो इस हिसाब से हैं। और देखिए फ्रेंड्स अगर आपको थोड़े बड़े बच्चे का बनाना है ना तो आप इसको थोड़े फंदे जो हैं वो ज़्यादा बढ़ा सकते हो, जैसे कि आप जो जब हमने ये लीव बनाया 8 बार बढ़ाया तो आप उसको 10 बार भी बढ़ा सकते हो फंदों को वहाँ पे, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बनाते हैं।
लिए हुए हैं। वैसे ये मेरे पास 10 नंबर की सर्कुलर निडल नहीं है, मैंने इसको स्ट्रेट निडल्स पे ही बनाया है और आगे भी मैं स्ट्रेट निडल्स पे ही बनाऊंगी। तो देखिए ये इस तरह से बनेगा, देखिए इस तरह से आएगा ये। अब हमने इसको देखिए डिवाइड, मैंने आपको बता दिया किस तरह से करना है। तो अब आज हम इसमें सबसे पहले इसकी बाजू बनाएंगे। देखिए नीचे आपने जो भी डिज़ाइन डालना है, आप प्लेन भी रख सकते हो या कोई भी छोटा सा डिज़ाइन भी इसमें डाल सकते हो। तो अब हमने ये यहाँ तक इस तरह से बना दिया है। अब हमने देखिए आगे इसकी ये राइट साइड में है हम, तो हम पहले क्या करेंगे ना, फ्रंट के जो हैं, फ्रंट में हमने रखने हैं ये सात फंदे, हमारे सात फंदे हमारे इसके बटन पट्टी के, और 27 फंदे हमारे जो हैं वो फ्रंट के एक साइड के, उनको हम अलग कर लेंगे। ये थ्रेड जो है ये इसमें पहले हम इसको बना लेते हैं। तो हम पहले इन फंदों को मैं बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे हमने फिर बाजू के फंदे निकाल के उनको कैसे बनाना है। देखिए अब बनाती हूँ मैं ये फ्रंट के बटन पट्टी के पहले तो सात फंदे, दो तीन चार पाँच छ और ये सात, ये सात फंदे हमारे बटन पट्टी के हैं। अब हमने सीधा बनाया है, अब हमने इस तरह से नहीं बनाना, हमारे ये हो गया है कंप्लीट यहाँ तक। अब मैंने 27 फंदे जो हैं वो फ्रंट के बना लेने सीधे सीधे, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस और सत्ताईस। तो ये 27 फंदे हो गए हमारे फ्रंट के। हम चाहें तो पहले इसकी फ्रंट को हम बना सकते हैं, फ्रंट बैक को, क्योंकि हमने दोनों फ्रंट और बैक को इकट्ठे बनाना है, लेकिन हम पहले इसकी स्लीव्स बनाएंगे। तो हमने क्या करना है, स्लीव्स के हमारे कितने फंदे हमने रखे हैं 37, उनके लिए हम अलग से थ्रेड लेंगे क्योंकि हम इसको ऐसे ही छोड़ेंगे। और क्या बोलते हैं इनको, हम अब इसको हम बनाने लगेंगे क्योंकि हमने क्या है ना कि हमारी फर्स्ट रो चल रही है, तो जब हम यहाँ से बनाते जाएंगे तो फिर हमारी बैक और फ्रंट लेंगे तो दोनों की ये फर्स्ट होगी, तो इसको एक साथ बनाएंगे। अब हमने ये 37 फंदे जो हैं वो अलग से निकाल लेने हैं बाजू के। तो देखिए मैंने ये, आप इसको यू पिन पे ले सकते हो बड़े वाली जो हमारी होती है, और नहीं तो हम इसको धागे में अलग से ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं इसको बाद में धागे में उतार लूँगी, पहले मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ से अब हमने धागा जो है वो अटैच करना है। तो ये देखिए यहाँ पे हम इसको थोड़ा सिक्योर कर लेंगे, यहाँ पे हम गांठ लगा देंगे एक, देखिए यहाँ पे हमने इसको थोड़ा पक्का कर लेंगे, इसको गांठ लगा देंगे, सिक्योर कर देंगे यहाँ पे जब हम धागा अटैच करेंगे। तो देखिए इस तरह से अब हमने 27 फंदे बनाने हैं। तो ये एक हो गया, दो, इसको मैं पीछे ऐसे थोड़ा सिक्योर भी करते जाऊंगी, तीन चार, इस तरह से हमने 27 फंदे ले लेने हैं इसमें, पांच सॉरी 27 नहीं 37 37 फंदे, छ सात, इस तरह से हमने 37 फंदे ले लेने हैं बाजू के। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने ये 37 फंदे जो हैं वो इस नीडल पे ले लिए। अब हम पहले ये वाली बाजू बनाएंगे, फिर हम ये दूसरी वाली बाजू बना लेंगे, फिर बाद में हम फ्रंट और बैक को इकट्ठे बनाएंगे। तो मैं आपको ये बना लेती हूँ। देखिए ये 37 फंदे हैं, छोटे बेबी का हम बना रहे हैं तो इसमें हम कोई फंदा घटाएंगे नहीं, 37 ही रखेंगे, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए अगर थोड़ी बाजू लूज सी हो तो वो ठीक रहती है। तो इसलिए मैं 37 ही रखूंगी, कोई फंदा नहीं मैंने घटाना है और सीधे इसको बना लेना है। तो पहले मैं इसको बना लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि फिर हम उसके बाद क्या करेंगे।
तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसकी ये बाजुएं बना ली हैं। देखिए कि बाजू मेरी दोनों तैयार हो गई हैं। अब मैं इसका ये फ्रंट और बैक मैंने ये एक नीडल में देखिए ये ले लिया है। देखिए ये इस तरह से, तो देखिए ये मैंने ले लिया है। अब मैं इसका ये फ्रंट एंड बैक इकट्ठा बनाऊंगी और मैं अब इकट्ठा इसको बना लेती हूँ। देखिए मैंने इसमें ये वाला डिजाइन डाला है, आप कोई भी डिजाइन डाल सकते हो या फिर इसको प्लेन भी बना सकते हो। तो मैं इसका ये बैक एंड फ्रंट का जो है पोर्शन, इसको मैं बना लेती हूँ, तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि ये बन के किस तरह का लुक देता है। तो फ्रेंड्स देखिए, ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल सिंपल है ये बनाना। और ये मैंने ये जब आपको यहाँ तक बता दिया तो उसके बाद मैंने सिंपली इसको ये बनाया है। ये वाला मैंने इसमें डिज़ाइन डाला है, ये बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसका वीडियो भी मैं आपको जो है आपके लिए बना दूंगी कि हम ये वाला डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा बन के अब तैयार हो गया है। मैंने इसमें ये बटन भी जो है वो अटैच कर दिए हैं। देखिए ये इसकी बाजू है, इसकी मैं बैक आपको दिखा देती हूँ। तो आप भी ये ज़रूर ट्राई करिएगा। मैंने ये 6 मंथ तक के बेबी के लिए बनाया है, आप बड़े बच्चे के लिए भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। और अगर आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।